त्योहार के बाद अक्सर 3-4 दिन सब्जियां ही नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें भी दिवाली मनानी होती है सब्जी वालों को। तो ऐसे में हम क्यों ना थोड़े से टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन से ऐसी चटनी बनाएं जिसे पराठे के साथ खाया जा सके, खिचड़ी के साथ खाया जा सके, किसी ड्राई स्नैक्स के साथ खाया जा सके। ये बहुत ही बढ़िया चटनी बनेगी, एक बार बनाएंगे तो आशिक हो जाएंगे। चलिए इसे बनाएं कैसे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, फ्रेश टमाटर ले लिए क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा सब्जी लेके ही रखते हैं। लहसुन की एक गांठ है पूरी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं। धनिया कैसे इतने दिन 10-15 दिन तक फ्रेश रहें, मैं इस तरीके से पानी में डाल देती हूँ। हमें इसे डायरेक्ट रोस्ट करना होगा, तो उसके लिए या तो कोई पुराना तवा ले लीजिए, उस पर रोस्ट कीजिए, या फिर यहाँ चूल्हे के आसपास सिल्वर फॉइल लगा लीजिए जिससे आपका ये गैस ख़राब ना हो, और फिर हम इन्हें पकाएंगे। यहाँ रख दीजिए एक कोई भी जाली, और टमाटर को इस साइड से आपको रखना है सेकने के लिए। ये स्वाद में भी बहुत टेस्टी बनती है, इसे बनाना भी बड़ा आसान है। अब यहीं पर ही मैं एक लहसुन भी इस तरीके से रख देती हूँ। धीरे धीरे इन्हें पकाएंगे और मीडियम फ्लेम कर देती हूँ जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। लहसुन को मैं साइड रख देती हूँ और टमाटर को थोड़ा सा पलट लेते हैं, पर नीचे के साइड जब अच्छे से पक जाएंगे तब ये बहुत ही आसानी से छिल सकते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, एक प्याज है जिसे मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ या लंबाई में काट लेती हूँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं 3-4 मिर्च ले लेती हूँ, उन्हें भी कट कर लेती हूँ। जितना आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची वगैरह ले सकते हैं। अदरक का टुकड़ा ले लिया है करीब 2 इंच का। ये चटनी इतनी अच्छी लगेगी कि आपको मतलब सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये लहसुन भी सिक गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे भी निकाल लूँगी। कैसे इसका स्वाद भी बढ़ता है और ये छिलती भी बहुत जल्दी है। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई और छिलने में भी बड़ी आसानी हुई और बहुत ही नरम सी हो गई है। टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो गए, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारा गैस भी ख़राब नहीं हुआ, बस सिल्वर फॉइल को हटाएंगे, गैस क्लीन है। दिवाली से पहले हम इतनी सफाइयाँ करते हैं, फिर गैस को ख़राब करने का मन ही नहीं हुआ। टमाटर की इस ऊपर वाली स्किन को हम हटा देते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला हार्ड वाला, इसे भी हटाना होगा। अब हमें क्या करना होगा, आप इसे खलबत्ते में कूट सकते हैं या फिर चॉपर में थोड़ा बारीक बारीक सा दरदरा कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, खलबत्ते में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और चॉपर सबके घर में नहीं होता, तो हम मिक्सी में पल्स पे कर सकते हैं इसे। मैं सारी चीज़ों को 1 by 1 डालती जा रही हूँ, जैसे ये प्याज। और हाँ, इस टमाटर की चटनी में आप लहसुन प्याज डालना चाहेंगे कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए प्याज कितने अच्छे से चॉप्ड हुआ है, इसी तरीके से हमें चाहिए। इसी तरीके से मैं सारा टमाटर ले लेती हूँ। इसे भी हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसी तरीके से पल्स पे चलाना है। टमाटर को भी मैं इसी प्याज के अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब बारी आती है धनिए की, इसे हम फाइन चॉप कर लेते हैं। अब इस चटनी में जो हमें तड़का लगाना है, उसके लिए आप सरसों का तेल कच्चा भी ले सकते हैं, पका के भी ले सकते हैं। अगर आपको सरसों का तेल का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अभी मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, लेकिन पका के डालूँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से, फिर ही इसमें यूज़ करूँगी। तब तक हम इसमें डाल देते हैं मसाले। ये मैं डाल रही हूँ काला नमक थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर। इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे ये तीखा तो ना रहे लेकिन कलर अच्छा लगे।
बस ये तैयार है, अब इसके ऊपर लगेगा तड़का। बहुत ही अमेजिंग ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार बनाएंगे ख़त्म होगी, बार बार बनाएंगे, क्योंकि ना ये चटनी अगर हमारी फ्रिज में बनी रहती है, रोटी है, क्रिस्पी ब्रेड को टोस्ट करके आप ये खा सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में ना मठरी वगैरह पड़ी रहती है, क्योंकि हम लोग ने बनाई हुई होती है त्यौहार के टाइम, तो उसको भी आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम डाल देते हैं। लास्ट एक और चीज़ डालेंगे, जिससे ये इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा। सारी जो पैक्ड चटनी आप लेते हो ना, उस पर ये देसी चटनी भारी पड़ेगी। नींबू का रस, बस इसे बनाकर आप रख दीजिए एक बढ़िया से बॉक्स में, जिसे खाने में बहुत मज़ा आए। तो इस टमाटर की चटनी को आप 1 वीक तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये चटनी।